بسم الله الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس, آج کی کلاس میں ہم لوگ کراس پروڈکٹ کے ٹاپک کے نیومیریکل کو سالو کریں گے. اور اس سلسلے میں پہلا ہی نیومیریکل بے انتہا امپورٹنٹ ہے. بک اوپن کریں گے, پیج نمبر 53 اور کوشچن نمبر 22 دیکھیے گا. पेज नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, राइट? स्टूडेंट क्वेश्चंस क्या है सुनिएगा. कहते हैं डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर on to the directions of vector A and B. कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए. किसका यूनिट वेक्टर निकालिए? एक ऐसे वेक्टर का जो कि A और B पर परपेंडिकुलर है. आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है किसका? Which is perpendicular, which is perpendicular on A and B, जो के A और B पर perpendicular है. Unit vector निकालिए किसका? एक ऐसे vector का जो कि A और B पर क्या है? Perpendicular है, right? स्टूडेंट सबसे पहले एक काम कीजिए, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है पहले उस वेक्टर को एक नाम दे दीजिए ताकि पता तो चले कि वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर है कौन. हमने कहा लेट लेट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, A and B. A और B पे परपेंडिकुलर कौन है? वेक्टर C है. तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? वेक्टर C का निकालना है. और ये यूनिट वेक्टर की पहचान है, ये यूनिट वेक्टर की पहचान है, ये आपको फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स फिर मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था यूनिट वेक्टर का. फॉर्मूला कैसे बनता है लिखिएगा. फॉर्मूला ये बनाना सिखाया था आपको, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, ये उसकी पहचान है. ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस के दूसरे लेक्चर तीसरे लेक्चर में सीखा था. जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड. जो रिजल्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, राइट? तो इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर ऑफ सी निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, वेक्टर सी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो देखिएगा स्टूडेंट सी कैसे निकलेगा. स्टूडेंट वेक्टर सी जो है वो ए और बी पे परपेंडिकुलर है. तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता कैसे है? ये हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था. जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आने वाला रिजल्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है. जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, देखिएगा, जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो इससे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इन वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है. ये हमने वहां सीखा था जब ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए प्रूफ कर रहे थे. तो अज्यूम कीजिए कि ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आया वो है सी, क्योंकि वेक्टर सी ही ए और बी पे परपेंडिकुलर है. तो ए क्रॉस बी से कौन सा वेक्टर मिलेगा? सी मिलेगा, राइट? इस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको
ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बनाना सिखाया था, अगर आपको याद हो। देखिए इसी अपनी जगह पर, इक्वल अपनी जगह पर, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये बनाना सिखाया था। ये डिटरमिनेंट पहले रो में लिखिएगा आई जे के, दूसरे रो में लिखिएगा इस पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स और तीसरे रो में लिखिएगा इसके कंपोनेंट्स बी के। तो एक चले पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, ये वेक्टर ए का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है। फिर तीसरे रो में इस वेक्टर के कंपोनेंट्स यानी बी वन बी टू बी थ्री, राइट। तो जरा वैल्यू भी पुट कीजिए, C is equal to I J K as it is, right? A one, A two, A three, vector A ka x, y, z, yani 2 minus 6 minus 3. B के कॉम्पोनेंट B1, B2, B3, 4, 3, minus 1, 4, 3, minus 1, right? अब इसको सॉल्व कीजिए, वेक्टर C is equal to, अच्छी तरह सीखेंगे। देखिए ये है रो और ये है कॉलम, आप पहले अपनी मर्जी का कोई भी एक रॉ या एक कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली हम लोग फर्स्ट रॉ को सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट रॉ आई जे के, पर ये कोई रूल नहीं है, आप कोई भी रॉ या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रॉ कॉलम, पर नॉर्मली हम लोग पहला रॉ सेलेक्ट करते हैं। तो पहले रॉ क्या है, आई जे के, आई जे के। अब देखिए सेलेक्ट कर लिया तो कैसे लिखिएगा, इस रॉ की पहली वैल्यू आई इसको लिखिएगा, फिर डिटरमिनेंट लगाइएगा, साइज छोटा कर दीजिएगा, साइज इतना रखिएगा कि टू कॉलम और टू रॉज इसके अंदर बन जाए। फिर माइनस जे लिखिएगा, फिर ये, फिर के लिखिएगा, फिर ये मॉड लगाइएगा, पहली वैल्यू प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगर चौथी वैल्यू भी होती तो फिर वो माइनस में लेते हैं, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिए इसको फिल करना है, फिल कैसे करेंगे, यहां क्या लिखा आई, तो आई वाला रॉ और आई वाला कॉलम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो आपको यहां लिख देना है। I वाला रॉ, I वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, माइनस सिक्स माइनस थ्री, माइनस सिक्स माइनस थ्री, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, इससे आपने इसको फिल किया। यही काम J और K के साथ करेंगे, J, ये J वाला रॉ, ये J वाला कॉलम, इसे छोड़ दीजिए, क्या रह गया, टू माइनस थ्री, फोर माइनस वन, इसे आपने, फिर क्या के, यही काम करेंगे, के इधर है, के वाला रॉ और के वाला कॉलम स्किप कर देंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे, यानी 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, 4, 3, राइट। अगर दोबारा चेक कर रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कीजिए और दोबारा इस पूरे मेथड को देख लीजिए ताकि रिवाइज हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक में आपने छोटी क्लास में आपने ये सीखा था ए बी सी डी, अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डी और दरमियान में साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का राइट। इसको फॉलो कीजिए और इन सबको सॉल्व कीजिए, देखिएगा C is equal to I,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, माइनस सिक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ प्लस सिक्स, फिर दरमियान में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस नाइन, तो ये माइनस नाइन, क्लियर। फिर ये माइनस जे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, टू माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस टू, फिर माइनस फॉर्मूले का, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस के, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स, फिर माइनस फॉर्मूले का, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर, राइट। This is vector C is equal to minus minus plus, तो ये हो गया 6 plus 9, 6 plus 9 कितना हो गया 15, 15i, सही। फिर ये minus J, इधर देखिएगा minus minus plus, minus 2 plus 12 plus का 10, plus का 10 minus J से multiply हुआ minus 10J, प्लस माइनस माइनस प्लस, सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर थर्टी के। स्टूडेंट्स ये आ गया वेक्टर सी, अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना भी आपने सीखा है, ये मैग्नीट्यूड, ये रूट, तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम ले लीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900, सबको प्लस किया आपने तो ये आया 1225, और इसका रूट लिया तो ये आया 35, राइट। तो स्टूडेंट्स वेक्टर सी भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, अभी दोनों वैल्यूज को यहां जरा पुट कर दीजिए। नाउ पुट इन वन, नाउ पुट इन इक्वेशन वन, तो देखिए क्या बना, यूनिट वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू वेक्टर सी 59 माइनस 10 जे प्लस 30 के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी द 35, राइट। सेपरेट कीजिए, जरा अलग अलग कीजिए, यूनिट वेक्टर ऑफ सी 15 ओवर 35i माइनस 10 ओवर 35J प्लस 30 ओवर 35K, कैंसिल कीजिए, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 3 ये 3 से कैंसिल, 5 7 the 35 ये 7 I as it is, माइनस ये 5 2 5 7 J ये 5 6 ये 5 7 के, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड बी, क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप ये न्यूमेरिकल बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, अगर कंफ्यूजन है पूरा लेक्चर दोबारा रिवर्स करके देखिए, पूरा रिव्यू लेकर देखिए, एक एक स्टेप देखिए, ये सारे स्टेप अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल जरा देखिएगा, वो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनता इंपॉर्टेंट होता है, समझिएगा। फर्ज कीजिए कि मैंने आपको दो वेक्टर दिया, ए 2i माइनस 6j माइनस 3k एंड बी इज इक्वल टू 4i
प्लस 3j एंड माइनस k, ये दो वेक्टर दिया, राइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, समझिएगा। हम आपसे कहेंगे कि दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और अ पैरेललोग्राम, कोई एक देंगे। हम कहेंगे जो दो वेक्टर है ए और बी, ये दोनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल के दो साइड्स हैं या पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, और फिर हम आपको उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, फिर हम आपको उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। यानी क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और अ पैरेललोग्राम, देन कैलकुलेट इट्स एरिया। फिलहाल दोनों का एरिया निकाल रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल भी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी चाहिए और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ड्राइव किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल था हाफ मॉड ए क्रॉस बी के, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था मॉड ए क्रॉस बी के, मॉड ए क्रॉस बी के, एग्री। तो स्टूडेंट्स का मतलब यह हुआ कि आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए या पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना होगा, राइट। और ए क्रॉस बी अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, ए क्रॉस बी मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करना सिखाया। यानी ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, हियर A cross B is equal to, पहले रॉ में लिखा I J K, दूसरे रॉ में A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 2 minus 6 minus 3, 2 minus 6 minus 3, तीसरे रॉ में B की वैल्यू 4 3 minus 1, 4 3 minus 1, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा सेम प्रोसीजर से। मैंने यहां पर यही वैल्यू ली थी, यही वैल्यू, यही वेक्टर मैंने लिया था, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्व हुआ हुआ है हमारे पास यहां पर। तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 59 माइनस 10j, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 59 माइनस 10j प्लस 30k, यानी इसको सॉल्व करेंगे ये A क्रॉस B आएगा, ये A क्रॉस B आया आपके पास। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जब A क्रॉस B आप निकाल लें, आप तो दोबारा कैलकुलेट कीजिएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू ना लिख दीजिएगा, आप दोबारा कैलकुलेट कीजिएगा ताकि कैलकुलेट करना आपको आ जाए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आ जाए। उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा, हालांकि मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट हुआ हुआ है, रूट 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 35, वो हमने यहां कैलकुलेट किया है, राइट। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखिएगा जितना काम जब हो जाए ना, अगर ट्राइंगल का एरिया पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ये है उसका फॉर्मूला, 35 सिंपली 2 से डिवाइड हुआ, ये हो गया 17.5। इसका प्रॉपर यूनिट तो होता है लेकिन वेक्टर ए और बी का यूनिट गिवन नहीं है, तो हम भी एरिया का यूनिट नहीं लिख सकते हैं, आप सिर्फ लिख दीजिएगा यहां पर यूनिट स्क्वायर,
एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यूनिट स्क्वायर, कोई प्रॉपर यूनिट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ए और बी किसी प्रॉपर यूनिट में गिवन नहीं है। और अगर पैरेललोग्राम में यह पूछा जाए तो सिंपल, ये तो बराबर है मॉड ए क्रॉस बी के, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 35 यूनिट स्क्वायर, राइट। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल, एरिया कैलकुलेट वाला न्यूमेरिकल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये दोनों न्यूमेरिकल जो आज हमने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आप पास्ट पेपर में देखेंगे तो ये बहुत मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा मिलेगा, पेपर में बहुत आते हैं ये। आप पास्ट पेपर से, मींस लास्ट 20-25 ईयर्स में, इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं फिलहाल, इसके और इसके, उनसे सॉल्व कीजिए। बुक में सॉल्व एग्जांपल में देखिए कि इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सॉल्व एग्जांपल है या नहीं है, तो उसे सॉल्व कीजिए, इन दोनों का सॉल्व एग्जांपल भी मिलेगा आपको, राइट। लेक्चर्स में फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, पहले तो कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर दोबारा देखिए, नंबर ऑफ टाइम देखिए, आपके पास बड़ा टाइम होता है लेक्चर देखने के लिए, नंबर ऑफ टाइम लेक्चर देखा करें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। फिर भी कंफ्यूजन रहे तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।